वाइफ ना होती ना, लड़की ना होती ना, अभी तक इसको मैं मार चुका होता। पहले पता है क्या बोल रही थी अपनी माँ के, कपड़े उतारती हूँ पता नहीं क्या क्या, जिंदा गाड़ दूँ एक दिन में तो ये जानती ना तू। अब आज के बाद कुछ भी ऐसा कोई गलत मत कर रही हो। दोस्तों वीडियो में जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, कल ही मैंने नए एयरपोर्ट्स लिए हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं कहाँ से लेता हूँ, कहाँ से मैनेज करता हूँ, आज मैं बता देता हूँ अपने दोस्त भाइनमों के साथ कैसे, आज मैं सिखाता हूँ। और यहाँ से हमें सबसे पहले एसेट को चूज़ करना है, जो कि मैंने ऑलरेडी चूज़ कर रखा है, और मुझे लगता है कि 7,000 की इन्वेस्टमेंट मेरे लिए ठीक रहेगी। और रियल अकाउंट में आप देख सकते हो 44,508 रुपये मेरे पास पड़े हुए हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं ट्रेडिंग करने के, जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो, और मुझे लगता है कि ग्राफ यहाँ से अप जाएगा। तो आप देख सकते हो मेरे रियल अकाउंट से पैसे कट चुके हैं, और अभी हमें यहाँ पे कुछ टाइम वेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं 12,810 रुपए चुका हूँ, और मेरे रियल अकाउंट में हो चुके 50,318 रुपए। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है मेक डिपॉजिट का, जहाँ पे आपको सबसे पहले अपने कंट्री को चूज करना होता है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया कर रखा है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं डिपॉजिट करने के लिए, मास्टर कार्ड, वीजा। तो देख लिया आप सभी ने कि बायनमो पे ट्रेड करके अर्निंग करना, बायनमो का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा। अगर आप हमारे दिए हुए लिंक पे अभी जाके क्लिक करते तो आपको आपके डेमो अकाउंट में मिलते हैं $1,000, जिसपे आप पहले ट्रेडिंग करना आसानी से सीख सकते हो। जैसे आप ट्रेडिंग करना सीख जाते हो तो आप अपने रियल अकाउंट से भी ट्रेडिंग करके बहुत सारी अर्निंग कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी जाके डाउनलोड करें। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के। फ़ोन करके पूछ कहाँ है तेरा पति, फ़ोन कर उसको, बताऊँ तेरे को अभी, फ़ोन कर उसे। हुए नहीं तेरे 15 मिनट अभी? अब उन्होंने बोला ज़्यादा मत बोल, शांति में रहे, तेरी सारी बड़क निकाल दूंगा 2 मिनट में। कहाँ हो आप जब? अच्छा मैं यहाँ बैठी हूँ, कि इधर आ जाओ। हाँ जल्दी आ जाओ। ये हाँ जी, बिल्कुल शरीफ सा लग रहा है। शरीफ ही है वो, तो इसके चक्कर में काबू का रखा है इसने, आगे पीछे लुलाती रहती है इसे। हाँ तुम्हारी माँ ये बुढ़िया ने देखो क्या ड्रामे कर रखे हैं। फिर बुढ़िया बोल रही है इसको, बुढ़िया बोलेगी अब? एक ग्रेप्टे में ना तेरा सारा बुढ़िया बुढ़िया निकाल दूंगा। कैसे बोल रहा, कैसे बोल रहा? हाथ मत लगा, हाथ मत लगा। बोल कैसे रहा तू? तेरी माँ भी बैठी हुई है, दिख नहीं रही आंखें, काम नहीं कर रही तेरी, दिख रही है। पूछा उनसे क्या हाल है तेरा, फोन पे क्या बोला इसने तेरे को, फोन करके क्या बोला था इसने अभी तेरे को, फोन पे क्या बोला था? हैं क्या बोला तूने, क्या बोला, क्या क्या बोला, क्या बोला तेरे को इसने? माता ने जो भी बोला, तेरी माता ने क्या बोला तेरे को फोन पे? बुलाने के लिए बोला था उसने। आया तू, क्या बोला? तबीयत खराब है बोला ना है? अरे काम भी होते हैं ना। ओए ओ काम वाड़ी, थोड़ा धीरे बात कर ले, तेरा काम निकाल दूंगा सारा अभी कभी। क्यों बोल रहा भाई? मैं यूँ कह रहा हूँ, घर का मैटर है। 2 मिनट शांति रहे, शांति रख, बता, शांति रख, मेरी बात सुन ले पहले प्यार से। हाँ बोल। नहीं तो मैं बात करने पे आ गया ना, तेरी जो अंदर से आवाज निकल रही है ना सारी बंद कर दूंगा। एक बार मेरी बात सुन, बड़ा है मेरे से, इज्जत से बात कर रहा हूँ पहले। हाँ। तेरे को फोन पे क्या बोला इनने? अरे बुलाने इन्होंने क्या क्या बोला? नहीं बोला क्या? तबीयत खराब है बोला था या बोला था नाच रही हूँ, क्या बोला था? तबीयत खराब के लिए बोला था उसने। तो तबीयत खराब होती है तो बेटे आते हैं या पड़ोसी आते हैं नीचे से? अरे यार तू कौन आते मेरे मेरे को जवाब दे, मेरे को जवाब दे, चुपचाप जवाब। कौन आता है? कौन आता है? बच्चे आते, बच्चे। और बच्चे ने क्या बोला? मेरे पास काम भी होते हैं। चल ठीक है, 2 मिनट के बाद तेरे को किसने फोन करा? तेरी इस बोलो बोलो, मेरे को तो बोलते भी शर्म आ रही है। क्या बोलेगा बीवी के? तेरी नालायक बीवी ने तेरे को फोन करा, बीवी ने तेरे को क्या बोला? कैसे बोल रहा था मेरी बीवी को? बीवी ने, मैं तेरे को बताऊंगा मैंने कैसे बोला और क्यों बोला, मैं तेरे को सब बताऊंगा। क्या बताएगा? चुपचाप मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बोला इन्होंने तेरे को, इसने तेरे को क्या बोला? यही बोला था, बुलाने के लिए बोला था। क्या बोला इसने? बोला मेरी तबीयत खराब है? नहीं बोला ना, जब भी तू आ गया काम नहीं था, 2 मिनट में काम हो गया तेरा पूरा, 2 मिनट में काम हो गया तेरा पूरा। यार तू भाई बीच में मत बोल यार, हाथ नीचे कर ले, हाथ ना तोड़ के अंदर डाल दूंगा। क्या डाल देगा तू? आवाज नीचे, समझ नहीं आ रही? समझ आ रही है? सब आ रही मेरे? नहीं आ रही। ये कौन है तेरी? वाइफ है मेरी। वाइफ है? हां वाइफ है। और क्या, वाइफ का ध्यान रखता है? क्या ध्यान रखूं, पूछ रहा हूं तेरे से, शादीशुदा है ना? हां वाइफ की शादी करिए तो ध्यान रखता है उसका? ध्यान करता है काम पे जाती। मैं तेरे को बताऊँ इसके असली गुण, ये चुप क्यों है? तेरी वाइफ तो वैसे इतनी चुप होती नहीं, आज देख चुप चुप सी लग रही है, नहीं लग रही? हाँ जी या ना जी में तो जवाब दे, नहीं कुछ भी। हाँ या ना, नहीं पता ना इसको कुछ? बताऊँ तेरे को? इधर आ, मुझे तो बता। इधर आ, नीचे बैठ, बैठ नीचे, बैठ नीचे, बैठ नीचे, बैठ बैठ जा नीचे, काम पे चला जाता है नीचे, बैठ। इसे क्या पता, उधर हो थोड़ी,
कौन है ये तेरी? पता है तेरे को वाइफ है ना? हाँ। वाइफ का क्या मतलब होता है? धर्म पत्नी है ना? हाँ। होता है नहीं होता? ये तेरी धर्म पत्नी और वो कौन है तेरी? माँ। जिसने तेरे को जन्म दिया, दिया कि नहीं दिया? हाँ, तूने इनको दिया या इन्होंने तेरे को दिया? ये नहीं होती तो तू नहीं होता ना। समझदार है या बेवकूफ है पहले मेरे को ये बता। पहले तो मेरे को गुस्सा आ रहा है कि तू अपनी, तू ये बता बीवी के बारे में। बीवी को? अच्छा, बीवी का बेंचो तेरे दिमाग में घूम रहा है कि बीवी को क्या बोला? नहीं नहीं नहीं, ओए माँ के साथ बदतमीजी करता है वो, तेरे को समझ नहीं आ रहा? दिखाई नहीं दे रहा वो तेरे को? क्या बदतमीजी करता माँ के साथ? क्या बोलते? बुढ़िया बोला ना तूने फोन पे? नहीं बोला? बीवी तेरे को दिख रही है? मैंने बीवी को क्या बोला? माता के साथ तू कैसी बात कर रहा है? तेरे को वो नहीं पता लग रहा? बताएगी तू अपने मुंह से या मैं बताऊं? क्या बोल रहा है? मैं, ओए शांति शांति रख ले। मैं कह रहा हूँ खुद अपने मुंह से बता रही है। देखो उनको तो बोल दे, इन्हें शर्म आएगी। वो तो मेरे को उनकी हालत देख के मेरे को ही तरस आ रहा है उन पे। अपना सच खुद बोलेगी या मैं बोलूँ? अबे क्या है ये, मेरे को समझ नहीं आ रहा। नीचे बैठो ना। अरे नीचे तो बैठो, आपको बताता हूँ मैं, बताता हूँ। नीचे बैठो, सच आप बताओगे या मैं सच बताऊँ? कुछ नहीं, मैं अपने दोस्तों के साथ जो घूमने फिरने पता है इनको, आपको पता है दोस्तों के साथ घूमती है? तो बताया मुझे, घूमने जाती हूँ मैं। अरे तो मैं काम करने जाती हूँ तो उनके साथ। कौन सा काम करती है? घर नहीं, आपने इनको काम के लिए कहीं भेजा है आज तक? जॉब करवाई है ये? हाँ या ना? नहीं, मेरे तो घर पे रहती है। ये तो कह रही मैं जॉब पे जा। बताइयो, देख अभी भी देख मैं जाती हूँ। तूने मुझे बताया जॉब के बारे में आज तक मुझे? और क्या कम बताया मुझे? जाती हूँ। झूठी, चुप हो जा। तेरे ना मैं इसके ना तेरी वाइफ ना होती ना, लड़की ना होती ना, अभी तक इसको मैं मार चुका होता। क्या कह रहा है इसको? कैसा क्या पता है इसको? अरे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हारी माँ से बात कर रही थी, पता नहीं कहाँ से आ गया अचानक बीच में। तेरे को बताऊं? बीच में बोलने लग गया। तेरे को बताऊं तेरी वाइफ क्या है? बताऊं? बता तू आज। बताऊं? हाँ। रोडों पे घूमता है कभी रात में? नीचे बैठ, नीचे बैठ, नीचे बैठ। रोडों पे घूमता है कभी रात में? मैं तो नहीं घूमता रोड पे। रोड पे रात को कौन होते हैं? रात पे लोग होते, आवारा लोग होते, तो आवारा लड़कियां भी होती है ना। हाँ। उनमें से एक काम करती है, बोलेगा तो प्रूफ, तो प्रूफ भी तेरे को दिखा दूंगा। बताऊं इससे पहले पूछ के करती है नहीं करती? सही बात है। आंटी बताओ, सुन मेरी बात, सुन आंटी बताओ इसको। ओए बात कर, बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, मेरे से बड़ा है, बात करो ना आंटी। चुप क्यों बैठे हो? सही कह रही हूँ मैं, ये तू तो चला जाता है, तेरे को टाइम नहीं मिलता, तू अपने रात भर अपने काम करता रहता है। मेरी ड्यूटी ऐसी है? तो ड्यूटी ऐसी है तो ये मैं किसको कुछ कहती है तो ये मेरे को मारने के लिए हाथ भी उठा देती है। पता है तेरे को ये तेरी माँ को मारती है? पता है तेरे को? मैंने नहीं मारा, इसलिए मैं चुप बोल रही हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, मैं वो झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने नहीं उन्हें, और ये जो बोल रहा है ये सच बोल रहा है? मैंने कभी तेरे को बताया ही नहीं, इसलिए कुछ भी ऐसा सच निकल आया ना। ये देख रही है, इसमें ना 12 गोलियां होती हैं, और 12 की 12 ना भेजे में घुसा दूंगा तेरी। 12 की 12 गोलियां तेरे भेजे में घुसा दूंगा। सच्चाई बता दे अपनी जो तूने बोला। मैं क्या है, इसने मेरे को पता है क्या बोला? मैं अपने दोस्तों के साथ जाती हूँ, उनके साथ घूमती हूँ फिरती हूँ, उन्हीं से कमाती हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है? तू निकाल ले, तेरे में बड़ा दिमाग है ना, निकाल। अब ये बता कि इसको मैं बाहर रख के बात करूँ या अंदर रख के बात करूँ? बाहर पड़ी रहेगी ना तो कुछ भी हो जाएगा। बता देगी अपने सच? तोड़ कर रख दूंगा इसको। सच बताएगी कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? क्या बात है फिर बता। अरे कुछ नहीं यार, मैं भी दोस्तों के साथ घूमती फिरती हूँ। सच बता दे, मैं फिर कह रहा हूँ। मैं सच ही बोल रही हूँ। तो उनसे पैसा कमाती है उनसे? अरे मैं नहीं कमा रहा हूँ पैसा, मतलब मैं इतना मेहनत करने के बाद में करता हूँ, तो तू यार दोस्तों के साथ घूमेगी तू? अरे तो मैं थोड़ा उसको, मुझे तो पता ही ना कुछ भी, मैं काम करता हूँ भाई। तो तेरे को बेंचो ये भी शर्म नहीं आती कि माँ के साथ कैसे बात करता है? माँ को बुढ़िया बोलता है ये? तेरे खुद नहीं पता को ये बचा रही है तेरे को या माँ बचा रही है तेरे को? तू माँ के साथ बुढ़िया बुढ़िया करके बात करता है? लंबा कर दे, बाहर निकाल घर से। मैं पता ही नहीं क्या हो रहा घर में, क्या नहीं हो रहा, और उसके लिए तू उल्टा बनाती है। अपने दोस्तों के साथ जाके रात भर पता नहीं क्या करके पैसे कमाती है। अब क्या बोलूँ मैं तेरे को? तेरे शौक मैं पूरे नहीं कर रहा हूँ तेरे। जो यार दोस्तों के साथ में जाएगी तो पैसे कमाएगी उनसे? साला पूरे पूरे दिन रातों को काम करता हूँ मैं, ओवर टाइम कर करके आता हूँ रात को। बारे बोलेगी क्या? होगी गुंगी, होगी क्या गुंगी होगी ये? बोल। वो देखो भैया सामने कैमरा लगवा रखा हमने, सारी बातें रिकॉर्ड हुई हैं। पहले पता है क्या बोल रही थी अपनी सास को? कि कपड़े उतारती हूँ पता नहीं क्या क्या, कि मैं वहाँ पे जाके कपड़े उतारती हूँ क्या? ऐसी हरकत करेगी तो ऐसी करेगी? तो मैंने ऐसे गलत बात, कोई बात नहीं बेटा, हट जा ना तू, ऐसी करेगी तो जिंदा काट दूंगा एक दिन में, तुझे जानती ना तू। हम साले चूतिया भैंचो पागलों की तरह काम करते रातों में,
बोले अपना पेट देख रहे ना, हम कुछ देख रहे ना, शरीर देख रहे, और माँ तू ना मेरी, उसको माँ को भी अलग कर दिया। और तेरे में बड़ी शर्म है कि तू माँ की बड़ी इज्जत कर रहा है, समझ आ गया? बता रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता था, अब पता लग गया। आज पता लगा है मुझे, इसका रंग रलिया क्या बना रही है तू? वो तो इसके चक्कर में ही करता है, नहीं तो मेरी बहुत इज्जत। अब यहाँ पे पता है किस चक्कर में आई, आ नहीं रही थी, किसके चक्कर में? तिजोरी की चाबी बहाने से बुलाया मैंने इसको बार बार। तिजोरी कितनी लालची है ये, लालची हो रहा, शर्म नाम की चीज़ नहीं है, डूब के मर जाइए। तिजोरी की नजर मत आ जाना मुझे आज के बाद में, कलंक औरत के नाम पर तुझे कोई बात नहीं बेटा। अब जो मेरे का तो बोलने का मन नहीं कर रहा, मेरा तो मन कर रहा है इसको इधर उधर कराने का। कोई नहीं बेटा, घर की इज्जत है, मेरी इज्जत की तो सामने वीडियो में बनवा दिया उसने। आगे यहाँ पे ना नीचे बैठ के सॉरी बोल, तभी छोड़ूंगा। सॉरी बोलेगी माँ समझ के, यूट्यूब पे शांति रख ले, सिखा मत मेरे को, चुपचाप शांति से सॉरी बोल ले, पीछे हो जा, सॉरी बोल नीचे बैठ के इज्जत से। धज्जी उड़वा दी तो हमारी इज्जत होगी, क्या बोलेंगे? कर दो, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब आज के बाद कुछ भी ऐसा कोई गलती मत कर रही हो बेटा, काम देखो हमारे घर की बदनामी होगी खानदान में, लोग वह क्या कहेंगे कि किसकी बहू कैसी इज्जत उछालती फिर रही है। नहीं, मैं कोई ऐसी, मैं तो कह रही तो मेरे दोनों आराम से प्यार से रहो, और बेंचो थोड़ी ना माँ की इज्जत कर लिया कर भाई, मुझे थोड़ी नहीं पता, माँ की इज्जत तो कर बेंचो, माँ की इज्जत तो कर, मुझे कुछ नहीं। बुढ़िया बोलने के लिए तेरे को पैदा करा उसने, तेरे को बोल रही है तबीयत खराब हो रही है, उसके बाद भी तू उसको कुछ नहीं बोल रहा कि मैं नहीं आ रहा, शर्म कर ले, मर जा बेंचो। माँ तेरी तेरे को बोल रही है कि मेरी तबीयत खराब है, फिर भी बेंचो घर पे पता नहीं कहाँ पे मर आ रहा है। चल तू आज घर पे बताऊंगा तुझे मैं, तेरे को मैं बताऊँ, आज के बाद माता का इज्जत ना हुई ना माँ की, मेरे को आंटी का नंबर मिल चुका है बेटा, इधर सुन ले, आज के बाद तेरी कंप्लेन आ गई ना बेटा तेरी मम्मी के साइड से। कंप्लेंट कोई नहीं आएगी अब इसके, इसको सॉरी बोल, अपनी मम्मी को बोल सॉरी, सॉरी माँ, सॉरी गलती हो गई माँ, माफ कर, गले लग, गले लग जा, गले लग माँ, इसने अब हम ऐसा आज के बाद ऐसा कभी कोई ऐसा काम नहीं, मैं तुझे ना जिंदा कर दूंगा, मैं सही बता रहा हूँ, आज के बाद होना नहीं चाहिए। पता लग गया ना इसको भी, तेरे को भी, की भी इसकी क्या हमारी इज्जत की धज्जी उड़वा रखी तू, अब नहीं करेगी। मतलब हम रातों में काम करते थे, हमें कुछ पता ही नहीं, अब नहीं करेगी। मुझे पहले से ही क्यों नहीं बताई तूने माँ इस बात को? और मैं बेटा मुझे डर लगता था कहीं, भाई ये सारी बातें ना अपनी, ये सारी बातें अपने घर पे जाके करना और ध्यान रखना आज के बाद। तू रात रात को ओ भाई, हर चीज पैसा नहीं होता तो थोड़ा घर पे भी ध्यान दे दियो अपना, समझ आ रही है? अब आप आंटी जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, समझ आ रही है भाई? हाँ या ना, जाओ। और मैडम सुधर जाना, अगली बारी सुधार दूंगा, भैया बोल रही है ना तो भैया की तरह ही काम करूंगा तेरे पे। भैया का मतलब पता है क्या होता है? भाई, तो बहन ही समझ के करूंगा आज के बाद। हरकत अगर मेरे को एक भी पता लग गई ना तो इतनी बरकत करवा दूंगा ना, घूम नहीं पाएगी कहीं पे। नहीं नहीं मैं आपको हाथ मत जोड़, बड़ी है मेरे से, हाथ मत जोड़, जा जाओ भैया। थैंक यू भाई यार, लेके जा माँ को। कोई नहीं आंटी जी, नमस्ते, जाओ आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं कोई नहीं, माँ की इज्जत करना सीख जा भाई, माँ की इज्जत करना सीख जा। शर्म नहीं आती बहन तुम अपनी, ना माँ की इज्जत करते हैं ना बहू बन के अपनी सास की इज्जत करती है। और भाई किसी को भी कोई समस्या प्रॉब्लम कोई भी हो तो फेसबुक पेज पे भी हमें मैसेज कर सकता है, इंस्टाग्राम पे भी कर सकता है, जितने भाई हमें फेसबुक पे कर रहे हैं, तो मैं भाई फेसबुक पे भी अपनी एक टीम बिठा रहा हूँ जो कि पूरी मैनेज करेगी फेसबुक को, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो जितनी अच्छी आपको लगी है ना लगी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और शेयर कर देना वीडियो को, फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो कर देना। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।